एप्पल वॉच सीरीज 8 या फिर एप्पल वॉच सीरीज 7, तो बेसिकली दोनों स्मार्ट वॉच की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो बात हो डिज़ाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन की अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर आपको डिज़ाइन डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो आपको इस बार नहीं देखने को मिलता है। वो आपको सिर्फ अल्ट्रा सीरीज में देखने को मिलता है, जो कि अगर हम देखें तो एकदम आपको डिफरेंट वॉच देखने को मिलती है। बट यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एप्पल वॉच सीरीज 8 या फिर आपको बाय करनी चाहिए एप्पल वॉच सीरीज 7। तो अगर आप एक प्लान करें इसी सीरीज के कोई भी स्मार्ट वॉच बाय करने का, तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर मैं शेयर करूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन। डिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको डिटेल मैं इतनी शेयर नहीं करूंगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों स्मार्ट वॉच में। यहाँ पर मैं शेयर करूंगा अपना ओपिनियन कि आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी रहेगी। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप एक प्लान कर रहे हो स्मार्ट वॉच डिलीवरी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज, ये दोनों स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, चाहे वो आप यूज कर लो एप्पल वॉच सीरीज 8 या फिर आप यूज कर लो एप्पल वॉच सीरीज 7। डिजाइन आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। क्लॉक की अगर बात करें तो बिल्कुल सेम है, वहां पर आपको इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। बट डिफरेंस की अगर बात करें तो वहां पर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलता है एप्पल वॉच सीरीज 8 में, वो आपको एप्पल वॉच सीरीज 7 में नहीं देखने को मिलते। बट अगर हम देखें तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के रिगार्डिंग आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच वैल्यू फॉर मनी रहेगी। यहाँ पर अगर देखें तो एप्पल वॉच सीरीज 8 एक काफी एक्सपेंसिव वॉच देखने को मिलती है, जहां पर आपको एप्पल वॉच सीरीज 7 की अगर हम बात करें तो वहां पर उसकी प्राइस आपको काफी कम देखने को मिल जाती है। अगर आप स्मार्ट वॉच को सेकंड हैंड भी अगर आप यूज कर लो या फिर आप सेकंड हैंड अगर बाय कर लो, तो वहां पर आपको काफी एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के रिगार्डिंग डेफिनेटली आपको एप्पल वॉच सीरीज 8 से अच्छा आप एप्पल वॉच सीरीज 7 की तरफ जाएं। वहां पर आपको अगर आप स्मार्ट वॉच को यूज करते हो आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, सभी बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छे न्यू स्टाइल के साथ हमें स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। तो मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली एप्पल वॉच सीरीज से अच्छा आप एप्पल वॉच सीरीज 7 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए एप्पल वॉच 8, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के रिगार्डिंग आपको एप्पल वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा बाय करनी चाहिए, जहां पर आपको जो है डिजाइन बिल्कुल आपको डिफरेंट की तरह का हमें देखने को मिल जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एप्पल वॉच सीरीज के जो सभी फीचर्स हैं वो आपको 7 में भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो बात हो ECG की या फिर डिफरेंट फीचर्स की, वो आपको सभी एप्पल वॉच सीरीज में 7 में भी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एक फीचर ऐसा है जो कि आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, वो है आपको जो है बॉडी मेजरमेंट सेंसर, जो कि आपको एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है एप्पल वॉच 8 में। बट अगर हम देखें तो आपको ये फीचर नहीं देखने को मिलता है एप्पल वॉच सीरीज 7 में। बाकी साइजेस आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, 41 और 45 mm इन दोनों वेरियंट्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सभी कलर्स भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको सभी फीचर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच प्लान कर रहे हो तो मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली एप्पल वॉच सीरीज 7 की तरफ जाना चाहिए। बिग बिलियन डेज में आपको इसकी सेल भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी प्राइस आपको बहुत ही कम देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर आप 41 या फिर 45 mm वेरियंट को बाय कर लो, आपको सभी फीचर्स और सभी आपको फीचर्स काफी कम प्राइस में हमें देखने को मिल जाएंगे एप्पल वॉच सीरीज 7। तो कौन सा स्मार्ट वॉच आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग आपको डेफिनेटली एप्पल वॉच सीरीज 7 की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर और पर शेयर जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।